हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अपन लोगों ने फैक्टराइजेशन स्टार्ट किया है, उसका एक वीडियो मैंने डाल दिया था। ग्रुपिंग मेथड, सिंपल स्प्लिट टर्म्स के ग्रुपिंग मेथड, कॉमन निकालने वाले जो सिंपल्स थे वो अपन ने कर लिए थे, ठीक है। आज जो हम टॉपिक बताने जा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड अ फैक्टराइजेशन में स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स, ठीक है। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, पहले हम क्वाड्रेटिक से चालू करते हैं, वो छोटा रहता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो क्या आ गया, अब जो b है उसको ऐसे स्प्लिट करना है कि इसका फॉर्मेट कैसा आ जाए, ये दो फॉर्म में आ जाए, मतलब ये इक्वल टू किस तरीके का आ जाए आपका, समथिंग पी एक्स प्लस क्यू इंटू आपका मान लीजिए आर एक्स प्लस टी ले लीजिए, चलिए इस तरीके का फॉर्मेट ले ले, है ना। हमको स्प्लिट इस तरीके से इसको करना है कि ये आपका इस तरीके का फॉर्म ले ले कि आपको यहाँ पे पी एक्स प्लस क्यू और ये आ जाएगा आर एक्स प्लस टी, मतलब स्प्लिट करके इनको लीनियर में लाना, क्वाड्रेटिक से ये दो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म पे आ जाए, वो आपके हमको इस तरीके का चाहिए। जब स्प्लिटिंग करते हैं तो उसमें क्या करना पड़ता है, जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करना होता है। तो मिडिल टर्म क्या होता है, बी को कैसा करना है, कोई भी जो भी बी है उसको ऐसा स्प्लिट करना है कि पी प्लस क्यू का फॉर्म आए और जो सी है वो पी इंटू क्यू का मल्टीपल रहे, ठीक है। अगर ए की वैल्यू वन है तो सिर्फ c लेंगे, अगर a की वैल्यू कुछ वैल्यू दी गई है तो a इंटू सी करके भी आंसर p इंटू क्यू आना चाहिए। ऐसे बोलूंगी तो समझ नहीं आएगा, एक क्वेश्चन उठाते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन उठाते हैं एकदम, ताकि आप लोगों को ज़्यादा टफ ना जाए। पहले हम एकदम सिंपल सा क्वेश्चन उठा दें, देखिए सिंपल, पहले एक सिंगल वैल्यू बता रही हूँ, फिर जैसे कि अगर सिंपल आ गया एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस एट, ठीक, इसको अपन को क्या करना है, फैक्टर्स करना है, इसको सिंपल एक्स फैक्टराइज करना है, ठीक। फैक्टर्स करना है यार, यहाँ पे क्या समझ में आ गया, देखिए यहाँ पे आ गया p प्लस क्यू की वैल्यू हो गई 6 और p इंटू क्यू की वैल्यू हो गई 8, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ p एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ q, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट। सो हाउ यू विल स्प्लिट, व्हाट यू डू, 8, ओके, 8 का आप निकालिए क्या, LCM, ये आ गया सिंपल प्राइम, स्टार्ट विथ 2 देन 3 देन 5 देन 7 देन 11 एंड यू गो फॉर प्राइम नंबर्स, ओके, 4 यू आर गेटिंग 2 एंड 2, ओके, यू हैव 3 फैक्टर्स, 8 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके। व्हाट वी सी इफ वी टेक दिस 2, मीन्स 2 इंटू 2 4 प्लस 2 वी गेट 6 and 4 into 2 we get 8, right, 4 plus 2 we get 6 and 4 into 2 we get 8. So we here we have to calculate the things, the how ye, this is the important thing, agar ye calculation nahi aayega to humko mushkil ho jayegi. So this is like this, now x square plus 4x plus 2x, okay, ये जो 6x है वो स्प्लिट हो गया 4x प्लस 2x प्लस 8, 8 किस में आ गया 4 इंटू 2, यू कैन राइट इट लाइक 4 इंटू 2। अभी कैसे स्प्लिट होगा, देखिए अभी क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4x को आप एक ब्रैकेट में लिखिए प्लस 2x प्लस 4 इंटू 2 को आप एक ब्रैकेट में लिखिए, ठीक। अब आप इसमें कॉमन क्या आ गया बताइए, x, तो क्या आ गया ये बताओ, x प्लस 4 प्लस इसमें कॉमन क्या है, देखिए 2, तो क्या आ जाएगा ये देखिए x प्लस 4, ये 2 और ये 2 बाहर निकल गया तो ये आ गया x प्लस 4। अब ये देखिए बीच में प्लस साइन है, ये तो मल्टीपल है, ये मल्टीपल है, यानी दो अलग अलग हैं ये, ठीक है, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, ग्रुपिंग करेंगे तो x प्लस 4 और x प्लस 4 यहाँ से ग्रुपिंग मेथड से बाहर आ जा रहे हैं, यानी क्या आ गया देखिए x प्लस 4 बाहर आ गया, तो इस x प्लस 4 बाहर आया तो यहाँ क्या बच रहा है x और यहाँ क्या बच रहा है 2, तो ये आ गया आपका स्प्लिट हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है, क्लियर है ये चीज़ आप लोगों को, ठीक। बहुत ध्यान से करना है बेटा, बहुत आराम से करना है, फैक्टराइजेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हायर एजुकेशन एंड एवरीवेयर, ओके, व्हेन यू इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स फैक्टराइजेशन यू शुड डू फैक्टराइजेशन बहुत ही अच्छे से, ठीक है। अब देखिए मैं फिर से एक बार समझा देती हूँ, ये वाला टर्म क्या होता है पी प्लस क्यू, ये वाला टर्म क्या होता है पी इंटू क्यू, कब, अगर यहाँ पे कोफिशियंट 1 है तो, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, ये जो p इंटू क्यू है इसका मैंने एलसीएम ले लेना है, एलसीएम किसका लेंगे, सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर्स का लेंगे, ठीक है।
उसके बाद उसमें से हम कोशिश करेंगे कि किन दो को हम क्लब करेंगे तो ऐड करेंगे तो वो आंसर आ जाए पी प्लस क्यू, मल्टीप्लाई करें तो पी इंटू क्यू आ जाए। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, जब टू इंटू टू इंटू टू आया तो हम ये दोनों को ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करें तो फोर आया, फोर प्लस टू करेंगे तो सिक्स आएगा और फोर इंटू टू करेंगे तो एट आएगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसको इस तरीके से लिख लिया, फिर ग्रुपिंग कर लिया, ये दो को एक ब्रैकेट लगा लिया, ये दो को एक ब्रैकेट लगा लिया, दोनों के कॉमन फैक्टर्स निकाले, फिर देख रहे हैं कि बीच में एक कॉमन आना चाहिए, ये जरूरी है। अगर दोनों में कॉमन नहीं निकाल पाओगे तो फिर से आपको ग्रुप एक ग्रुप को बाहर नहीं निकाल पाओगे, कॉमन फैक्टर निकलना बहुत जरूरी है। तो ये इस तरीके से सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और बता रही हूँ, मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, डाउट नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलो इसके बाद एक और क्वेश्चन उठाते हैं। मान लीजिए आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस ट्वेंटी वन, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस ट्वेंटी वन। ठीक, अब यहाँ पे देखिए पी प्लस क्यू क्या हो गया, फोर, पी इंटू क्यू क्या हो गया, माइनस ट्वेंटी वन, पी इंटू क्यू क्या हो गया, माइनस ट्वेंटी वन, यानी क्या हो गया मेरा, देखिए अब मैंने पहली बार तो 21 का मैं फैक्टराइज कर लेती हूँ, क्या आ जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, अब क्या आएगा 3 से जाएगा, 7, 7 3 से 21 हो गया। अब मेरे पास दो ही फैक्टर है, 21 को स्प्लिट किया 7 इंटू 3, बट यहाँ पे है माइनस साइन, ये माइनस आना चाहिए, मेरे को यहाँ पे चाहिए 4, 4 क्या है मेरा, पॉजिटिव है, इसका मतलब ये जो नंबर में मैं इसको 7 माइनस 3 करूँगी तो मिल जाएगा, मतलब इसको मुझे लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे बताइए, 7 माइनस 3 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आपका तो वैसे भी 21 नेगेटिव है, तो आपको इन दोनों में एक नेगेटिव चूज करना है, आइदर 7 आइदर 3। ठीक है, तो 7 में अगर नेगेटिव लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा बताइए, अगर 7, देखो यहाँ पे भी 7 माइनस 3 कर रहे हैं तो 7 प्लस ऑफ माइनस 3, ओके, पी प्लस क्यू एंड पी इंटू क्यू, यू आर गेटिंग 7 इंटू माइनस 3, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आ गया 4, ये आ गया माइनस 21। ठीक है, मगर अगर आप 7 को ना लेके, अगर आप माइनस 21 में आप माइनस 7 इंटू 3 लेते तो क्या आ जाता, देखिए P प्लस क्यू में क्या आ जाता, ये माइनस 7 प्लस 3, तो ये मिल जाता हमको, लो भाई माइनस 4, क्योंकि बड़े के साथ नेगेटिव साइन है, माइनस 4, ओके, और यहाँ हमारा प्रॉब्लम आ जाता, प्रॉब्लम करता, क्योंकि मेरा 4 तो क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव मल्टीपल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, तो ये दोनों में आपको चूज करना पड़ेगा यहाँ पे कि नेगेटिव साइन किसके साथ होना चाहिए, 7 के साथ कि 3 साथ, तो वो कंडीशन आपकी यहीं पे दी रहेगी, इसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमको करना है, ओके। ठीक है, अब ले लिया हमने, मतलब मेरा स्प्लिटिंग क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x माइनस 21 की जगह क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू माइनस 3, माइनस 21 था ना, तो 7 इंटू माइनस 3 लिख दिया। अब देखो ग्रुपिंग कर लो, ये ले लो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7x एक साथ ले लीजिए, प्लस यहाँ पे लिख लीजिए माइनस 3x प्लस 7 इंटू माइनस 3, ये ऐसा ब्रैकेट लगा दो ताकि तुम कंफ्यूज मत हो। इन दोनों में कॉमन क्या है भाई, इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, x, तो क्या बच गया मेरा, x प्लस 7 हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, माइनस 3, इन दोनों में कॉमन क्या निकला, माइनस 3, अंदर क्या बचा, x प्लस 7, देख लीजिए। अब ये दोनों दो अलग अलग टर्म है क्योंकि दो मल्टीपल में, ये दोनों इनके साथ क्या है, प्लस या माइनस साइन, यानी इन दोनों में आप कॉमन निकाल सकते हो, कॉमन क्या निकला, x प्लस 7, तो ये बाहर निकल गया, तो यहाँ बचा हुआ टर्म क्या हो गया, x, ये क्या हो गया आपका 3, आ गया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन को बड़े आराम से बनाना है, भाग के नहीं बनाना है, बहुत ही आराम से बनाना है। ठीक है ना, चले एक आध क्वेश्चन और उठाते हैं, ठीक, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं अब हम यहाँ पे, अभी तो सिंपल वाले बता रहे थे, अभी थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो बड़े आराम से बनाइए, इंजॉय करते बनाइए। ठीक है, जैसे कि आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 132, ये लो भाई
अब क्या करना है, ये 132 पे आते हैं, सबसे पहले तो मेरे को ये नहीं पता मेरा क्या समझ में आ रहा है, पी प्लस क्यू इज मेरा नेगेटिव माइनस 23 है और p इंटू क्यू मेरा आ गया 132 है। ठीक भाई चलो हटाओ, 132 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 2 से किया 66 आ गया, ठीक है 66 आ गया है ना, ठीक, फिर 2 से किया तो 33 आ गया, फिर 3 से किया तो 11 आ गया। ठीक है भाई, मतलब मेरा जो 132 है वो एलसीएम ले रहा है 2 × 2 × 3 × 11, ओके। अब मेरे को चाहिए माइनस 23, यानी माइनस 23 कैसे आएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 और 11 को ऐड करेंगे तो 23 आता है क्या भाई, देखिए 12 और 11 करेंगे तो कितना आ गया 23, राइट आ गया मेरा सॉल्यूशन। मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पे हमको कैसा लेना पड़ेगा, 132 को हम ले लेते हैं माइनस 12 इंटू माइनस 11, क्यों, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन है, तभी मेरा ये हो गया पी प्लस क्यू क्या बनेगा माइनस 12 माइनस 11 और पी इंटू क्यू क्या बनेगा माइनस 12 इंटू माइनस 11 विच इज इक्वल टू 132 और ये बन गया माइनस 23। यही हमको चाहिए था, देखो आराम से करो, अभी प्लस माइनस क्या बहुत लफड़ा होता है ना, तो थोड़ा सा ध्यान देके करना है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव था यहाँ पे पॉजिटिव था, यानी यहाँ पे पॉजिटिव है यानी दो नेगेटिव मिलके ही पॉजिटिव बनेंगे, ठीक है, देन दिस टू नेगेटिव व्हेन वे मल्टीप्लाइड वी गेट अ पॉजिटिव साइन, सो ये आ गया, और दो नेगेटिव को ऐड करोगे तो नेगेटिव आएगा, या तो बड़ा हो नेगेटिव हो छोट, नेगेटिव आने का क्या क्राइटेरिया, या तो दोनों नेगेटिव आने का क्या क्राइटेरिया, ये दोनों नेगेटिव को अगर आप लोगे तो नेगेटिव आएगा, या बड़ी डिजिट नेगेटिव हो छोटी डिजिट पॉजिटिव हो तो वो प्लस माइनस करेगा तब वो माइनस लेगा साइन, ठीक है, तो ये सब चीज़ों को हमको यहाँ पे ध्यान देना है। तो अब आपका क्या आ गया, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना ले लेगा 12x माइनस 11x प्लस, अब 132 को क्या लिख रही, देखिए माइनस 12 इंटू माइनस 11, ठीक, फिर ग्रुपिंग कर लीजिए, ए आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस ये आ रहा देखिए माइनस 11x प्लस माइनस 12 इंटू माइनस 11, ये लो भाई एक ब्रैकेट बना लेते हैं यहाँ पे, ज़्यादा इजी गोइंग रहेगा, ठीक है, ये माइनस 11x को ऐसा लिख लो और अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे देखो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x, तो अंदर क्या बच गया मेरा x माइनस 12 प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है माइनस 11, यहाँ क्या बच रहा है x, यहाँ क्या बच रहा है माइनस 12, ये लो भाई ये और ये फिर बाहर निकालो x माइनस 12, तो अंदर क्या बच गया x माइनस 11, सिंपल, ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है, बहुत आराम से बनता है, मैं एक एक क्वेश्चन बताते जा रही हूँ, बेसिक से बता रही हूँ ताकि आप भले टेंथ के हो बट ये नाइन्थ के हो लेकिन क्लास एट में भी आप लोगों ने पढ़ा है, तो मैं वहाँ से बेसिक उठा के आप लोगों को भी बता रही हूँ, ठीक है, तो टेंशन लेने का नहीं है, बड़े आराम से पढ़िए, ठीक है, तो ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन का एक और क्वेश्चन। चलो एक आध क्वेश्चन और बताते हैं, आज सिर्फ हम फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है वो 1 रहने पे क्या आता है, अभी आज हम वही प्रैक्टिस करेंगे, कल जब क्वेश्चंस करेंगे तब हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ भी एक कोफिशियंट उसके भी कोफिशियंट में एक वैल्यू ले लेंगे तब हम करेंगे, नहीं तो अभी में आप क्या होगा कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है, तो आज जो हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है वो कैसा वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे बी स्प्लिट हो रहा है आपका पी प्लस क्यू के फॉर्म में और सी स्प्लिट हो रहा है आपका पी इंटू क्यू के फॉर्म में, तो आज हम सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पे वर्कआउट करेंगे, ठीक है, चलिए एक आध क्वेश्चन और उठा लेते हैं। मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ रहा है एक्स स्क्वायर चलो माइनस 21x प्लस 108, ठीक दिख रहा है पी प्लस क्यू हो गया भाई माइनस 21, पी इंटू क्यू हो गया 108, तो 108 का पहले एलसीएम लो, कितना हो जाएगा 2 का करोगे तो 54, फिर 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा भाई ये 2 × 4 = 14, 7, 3 से करोगे तो 9, 3 और 3, लो भाई
108 कंप्लीट हो गया आपका। 108 कितना ले रहा है, 2 × 2 × 3 × 3 × 3। ठीक, अब मेरे को बनाना है इसको 21। 21 का पॉसिबिलिटी क्या दिख रहा है, 3 × 3 × 3 × 3 = 9 = 27। 27 में 4 कर प्लस माइनस करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 और 9, 12 और 9 को ऐड करने से 21 बनता है क्या, यस। ठीक है, तो मतलब क्या आ गया मेरा, P प्लस Q कैसा बन गया, देखो ये 3 ले लिया 12 और ये 2 ले लिया 9। अब आता है मेन साइन का प्रॉब्लम, यहाँ पे साइन क्या है, माइनस है, यहाँ पे साइन क्या है, माइनस है, माइनस है, यानी ये दोनों को हम जब तक ऐड नहीं करेंगे, 12 प्लस 9 हमारा हो रहा है 21, यानी दोनों के आगे क्या साइन होना चाहिए, नेगेटिव, तभी पॉसिबल है, यानी क्या आ गया बताइए, तब आ रहा है माइनस 21। और P इंटू क्यू कर रहे हैं तो कैसा आ जाएगा, माइनस 12 इंटू माइनस 9 विच इज इक्वल टू 108, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो आपका P इंटू क्यू क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, तो अब आपका क्या आ गया बताओ, यहाँ पे कैसे करेंगे भाई, क्वेश्चन क्या था मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 108, यानी क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस कितना लेना है, 12x माइनस 9x प्लस 108। तो अगर मैं x बाहर निकाल देती हूँ तो x माइनस 12 माइनस, यहाँ पे क्या निकलेगा, 108 को क्या लिख रहे हैं, माइनस 21 इंटू माइनस, अरे भाई माइनस 12 इंटू माइनस 9, तो इन दोनों में क्या बाहर निकल गया, माइनस 9, तो अंदर बच गया x माइनस 12, वही वही चीज़ कर रहे हैं, तो क्या आंसर आ गया, x माइनस 9 और ये आ गया x माइनस 12, सेम वही पैटर्न जो लास्ट टाइम हमने फॉलो किया। ठीक है, चलो थोड़ा सा और एक पैटर्न बता देती हूँ, अब क्या कर देते हैं, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस ले लेते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा एक और। ठीक है, ओके, तो अब हमारा एक क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 36, 5x माइनस 36, ओके, तो ये क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 5, 36 को क्या कर लोगे, 36 को पहले आप यहाँ पे देखो, P प्लस Q क्या आ गया मेरा 5 और P इंटू क्यू क्या आ गया यहाँ पे माइनस 36, ठीक है, 36 को पहले एलसीएम निकालो, 36 2 से जाएगा क्या, यस 1 और ये आ जाएगा 16 कब जाएगा, 8 सा, ठीक है, फिर 8 2 से करेंगे तो 9, ये आ गया मेरा 3 और 3, 5 चाहिए भाई, आ गया आंसर, क्या आ गया भाई, 36 का क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 3 × 3, अंडरस्टूड है, ये ले लो 4 और 9 आ गया 5, 4 और 9 5, लेकिन यहाँ है प्लस साइन, यहाँ है प्लस साइन, यानी क्या लेना पड़ेगा मेरा, P प्लस Q कैसा लेना पड़ेगा बताओ, 9 माइनस 4 यू आर गेटिंग 5, और P इंटू Q लोगे तो क्या आ जाएगा, 9 इंटू माइनस 4 विच इज इक्वल टू माइनस 36 आ गया, क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव है, यानी दोनों में से एक नेगेटिव होना चाहिए, तो ये नेगेटिव 4 लेंगे कि 9 कैसे डिसाइड होगा, किस में नेगेटिव साइन, इस पे डिसाइड होगा, इसका क्या था, मेरे को पॉजिटिव चाहिए, तो बड़ा वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, छोटा वाला नेगेटिव रहेगा, सिंपल सा रहेगा। ठीक है, तो आपका क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 36 कैसा बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x प्लस 9 इंटू माइनस 4, ऐसा लिखने से क्या है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट हो, अब चाहे यहाँ पे नहीं लगाते हैं भाई, कन्फ्यूजन हो जाएगा, यहाँ से x निकला तो क्या आ गया, x प्लस 9 आ गया, इन दोनों में क्या निकलेगा कॉमन, माइनस 4, तो क्या आ गया, देखो यहाँ पे भी x प्लस 9, तो आ गया आपका आंसर x माइनस 4 एंड x प्लस 9। ठीक है, ईजी है, बहुत आसानी से है, किसको स्प्लिट करना है, मेन यहाँ से ही बनता है, ये कैलकुलेशन सही होना चाहिए, यहाँ से ही मेन चीज़ डिसाइड होती है, उसके बाद ये स्प्लिटिंग का टाइम आता है। ठीक है, तो आज हमने कौन सा मेथड कर लिया है, जहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशेंट नहीं है, वो वाले से हम स्प्लिटिंग मेथड कैसे करते हैं, आज हमने वो वाले क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, तो आप लोग
आराम से बनाइए, क्वेश्चंस बनाइए, एंजॉय करते बनाइए, जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं उसको प्रैक्टिस करिए। और अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड जरूर सब्सक्राइब करिए। एंजॉय मैथ्स विद डॉक्टर शिल्पी। बाय बाय।